बताया। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पर्व है। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा। आत्मीय परिजनों, बच्चा 9 महीने तक पेट में रहता है और जो उसकी माँ देती है वही खुराक वो लेता है और 9 महीने के बाद वो इस संसार में प्रवेश करता है। उसकी माँ की विशेषता है ना, माँ ने उसको जन्म दिया और उसको 9 महीने तक गर्भ में धारण किया, फिर उसका लालन पालन किया, तब वो कहीं इस लायक हो पाया कि कुछ वो बोल पावे, चल पावे, अपनी भाषा में कुछ कह पावे। ये माँ की देन है। जब बच्चा पढ़ने जाता है तो यदि शिक्षक उसको पढ़ाए नहीं और कुछ बताए नहीं तो वो अनभिज्ञ रह जाएगा और काला अक्षर भैंस बराबर रहेगा, तो उसको संसार की कोई जानकारी नहीं रहेगी। शिक्षक उसको पढ़ाता है, आगे उसको बढ़ाता है। गुरु की शक्ति अपार है, गुरु को भगवान से भी ज्यादा बताया गया है। गुरु माता पिता और गुरु, माता पिता से भी ज़्यादा गुरु को कहा गया है, क्योंकि गुरु हमारे आंतरिक जो मत और विक्षेप छाए हुए होते हैं उसकी धुलाई का काम गुरु करता है। समय समय पर उसको प्रेरणा देता रहता है और शिष्य आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। आंवल खीड़ा की भूमि में जन्म लिया, विस्तार होता चला गया, अन्य जगह का होता हुआ चला गया। उन्होंने अपनी जन्मभूमि के लिए किया, हाँ किया, जन्मभूमि के लिए भी किया, लेकिन उस स्थान पर वो रहे नहीं, रहे अन्य स्थानों पर, रहे हिमालय पर, रहे हिमालय उनका हृदय था, हिमालय हृदय था। और उन जब कभी बातचीतों के दौरान में अपने पूर्व जन्मों की कोई बात बताने लगते थे तो बहुत देर तक हमारी चर्चाएं आपस में चला करते थे। आज मैं कह रही, मैंने कभी नहीं कहा इन बातों को, नहीं कभी। हम दोनों जब बैठते थे और कोई नहीं होता था तो हमेशा मुझसे शारदा कह करके बात पुकारा करते थे। अब मैं इसका रहस्य नहीं जानती, लेकिन जब कभी उन्होंने पुकारा, कहा, मैंने कहा मेरा नाम तो ये है, अब शारदा कह करके क्यों पुकारते हैं मुझको, क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, शारदा का स्थान बहुत ऊंचा है और तुम्हारे नाम के भी पीछे जो प्रेरणा है वो भी अपने आप में है, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। जो उनके शब्द होते थे, फिर अपने पूर्व जन्म के बारे में थोड़ी थोड़ी झलक बताते थे कि देखो अगले जन्म में हम रामकृष्ण परमहंस थे और तुम शारदा मणि थी, और हमारे न रहने पर वो काम उन्होंने आश्रम का और जो अपने मिशन का उन्होंने काम संभाला, अन्य अन्य बातें किया करते थे। कमीर के समय में ये थे,
और ये करते थे वो करते थे, अनेक उन्होंने कई जन्मों के बारे में उल्लेख उन्होंने किया किया। मैंने बड़ी ध्यानपूर्वक सुना, क्योंकि मैं जन्म जन्मांतरों से उनके साथ थी और रहूंगी। मैं अभी अपने बारे में बताया आपको कि किस तरीके से हम एक दूसरे से गुथे रहे, जुड़े रहे, और एक दूसरे में ही हमारी छवि देखी जा सकती है। माँ के रूप में भी आप पिता का दिग्दर्शन कर सकते हैं। यदि आपके अंदर भावना है और श्रद्धा है तो आपको दोनों ही रूप दिखाई पड़ेंगे, अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेंगे। आप ये विचार नहीं करेंगे कि माता जी अलग थी और गुरु जी अलग थे। गुरु जी माने माता जी और माता जी माने गुरु, गुरु जी दोनों ही हम एक दूसरे में समाए हुए हैं। ब्राह्मणोचित जीवन जीने के लिए उन्होंने प्रेरित किया और इस मिशन को कितना फैला दिया सारे विश्व भर में, और तहलका मचा रहा है। शक्ति किसकी है? हम आप काम कर रहे हैं, हम आप भी काम कर रहे हैं, कल पुर्जे चल रहे हैं, लेकिन शक्ति उनकी है। शक्ति के बगैर एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। जो ये कहें कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, वो गलत है। ये मान के चलना कि उसका फिर वो अहंकार बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा, उसका अहंकार बोल रहा है। और वो ये साबित करना चाहता है कि मैं गुरुजी नंबर दो हूँ, मैं गुरुजी हूँ, आप मुझे ही गुरुजी के स्थान पर मानना। ये क्या है? ये भीतर का अहंकार है, जो कि शाखाओं में और शक्तिपीठों में अक्सर देखा जाता है कि वो अहंकार से इतने लबालब भरे होते हैं कि मिशन को बढ़ाने में कम और आपाधापी में ज़्यादा। किसी को अपने पैसे का घमंड है, किसी को अपनी शिक्षा का घमंड है, किसी को अपने बल का घमंड है, पर है जरूर। यदि इस अहंकार को गला दें फिर देखिए ये मिशन कहाँ कहाँ तक पहुँचता, किस कदर ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। गुरु भगवान तक पहुँचाने की एक कड़ी है, जिस रास्ते पर चलाता है हम उस रास्ते पर निष्ठापूर्वक चलते रहें तो हमें अनुदानों और वरदानों की कोई कमी नहीं पड़ेगी। प्रत्यक्ष में कमी हो सकती है, प्रत्यक्ष में क्या कमी हो सकती है? संभव है कुछ आपके पास धन की कमी हो जाए, या लग्जरी के लिए समय आप निकालते हैं उसमें कमी आ जाए, उसी में कमी आ सकती है। लेकिन जो आत्मिक शक्ति है वो तो आपकी बढ़ने वाली है, उस पर आप विश्वास क्यों नहीं करते? आपको विश्वास करना चाहिए कि आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ रही है और आगे भी आपकी बढ़ेगी। जो जो आप गतिशील होंगे, समाज को और राष्ट्र को बहुत आवश्यकता है। आप में से जो भी इस योग्य हैं, तो जिन्होंने कमा लिया है, तो फिर सांप की तरीके से कोंडली बना के मत बैठो, नहीं अगले जन्म में सांप बन जाओगे। सांप बन जाओगे तो सांप को हर समय धन का ही धन, धन के ऊपर बैठा रहेगा, तो कोंडली मारे बैठा रहेगा, जो आएगा उसी को फुसकारेगा, वो उसी को फुसकारेगा, नहीं बेटा ये वक्त नहीं है, ये वक्त बड़ा दयनीय स्थिति में है और ये समय की पुकार है, समय की पुकार है। और समय के साथ में यदि आप चल पड़े तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे? आपको शर्म क्यों महसूस होती है?
मिशन की बात क्या नहीं मैं सुना, मैं अच्छा होती है। अरे कोई सुनेगा तो सुनेगा, नहीं सुनेगा तो नहीं सुनेगा। 100 में से 5 सुन गए तो 5 का भला हो जाएगा, 5 का ही भला सही। 5 की गृहस्थी तो हमने बना दी, क्यों नहीं आप मुंह खोलना चाहते? नहीं साहब, हमसे तो कहना नहीं आता है। कहना क्यों नहीं आता है? और अच्छे लड़ना आता है कि नहीं आता है? सो तो माता जी को आता है, सो तो हम मारपीट भी कर लेते हैं, गाली गलौज भी कर लेते हैं। बड़ा होशियार है बेटा, और माँ से लड़ लेता है, बाप से लड़ लेता है। अरे माँ बाप तो हमारे लिए ऐसे हैं जैसे कोई मित्र होते हैं, जैसे मित्रों से कह लेते हैं तो माँ बाप की हम बेइज्जती कर लेते हैं, छोटे भाई की बेइज्जती करते हैं, ऐसी बेइज्जती हम माँ बाप की कर लेते हैं। जब आप इतना सब कर लेते हैं तो मिशन के नाम पर आप अच्छे और समझदार होकर के पेश नहीं हो सकते? आप एक दूसरे की समीक्षा कीजिए, प्यार से कीजिए, अहंकार से नहीं। किसी को नीचा नहीं दिखाना है, बल्कि उनको प्यार से उनको ये समझाना है, देखिए इसमें ये कमी है, इसको इस तरीके से आप मेंटेन करिए, ऐसे आप करिए। आपके जाले लग रहे हैं तो भले आदमी जरा झाड़ू दे दे तो क्या हो जाए? नहीं साहब, कोई नौकर आवेगा वही झाड़ू देगा, और नौकर नहीं आवेगा तुम्हारे हाथ नहीं चलेगा उस झाड़ू देने में। दोनों तुम्ही जरा छोटे बन जाओ, तुम्ही जरा नौकर बन जाओ तो क्या हो जाएगा? घर का काम कौन नहीं करता? सब करते हैं। गृहणियाँ घर का काम करती है या नहीं करती हैं? फिर तुम्हें नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तुम कम से कम शक्तिपीठों पर जाकर यज्ञ करने लगो, वहाँ की झाड़ू वाड़ी निकालने लगो, तो जहाँ वो शक्तिपीठ जो वहाँ ट्रस्टी हैं उनको शर्म और हया आवेगी तो सही। वो ये तो सोचेंगे कि भाई यहाँ ये व्यक्ति आते हैं और यहाँ ये संभालते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है और हम भी कुछ आगे, हमें भी कुछ काम संभालना चाहिए। वो जरूर संभालेंगे, पर मन में से ये बात उठे तब ना, मन में से बात प्रत्येक के उठनी चाहिए। ये मैंने आपको बाहरी सामाजिक उसके लिए आपको बताया। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पर्व है, आपने दीक्षा ली है, आप गुरुजी से जुड़े हैं, हमसे आप जुड़े हैं, तो आज का जो पर्व है जी वास्तव में आत्मचिंतन का पर्व है। आत्मचिंतन किया जाना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं जो कमियां हमको आगे नहीं आने देती हैं, उन कमियों को निकालना चाहिए और समीक्षा करनी चाहिए कि अगले वर्ष हमने कितना काम किया था, और आज हम संकल्प लेते हैं कि अगले अब जो आज से शुरू हो रहा है फिर हम एक साल में क्या क्या काम करेंगे। ये सारा लेखा जोखा अपने मन में ही आज आप हैं तो चिंतन कीजिए। आज का दिन चिंतन का है, आज का पर्व अपने गलेवा में उतारने का है कि आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी की शक्ति हमें प्रदान हो। पर भावनाएं और निष्ठा और श्रद्धा तो आप ही की होगी ना? जब श्रद्धा होगी तो आपको जरूर आपको मिलता हुआ चला जाएगा, जितना चाहोगे उतना मिलेगा, भरपूर मिलेगा। जिस तरीके से गाय के थनों में दूध भरा होता है और गाय रमाती रहती है और दौड़ करके बच्चे के पास जाती है कि पी मेरा दूध, पी मेरे थन फटे जा रहे हैं, मेरे थन फटे जा रहे हैं, इसको पी बेटा, पी तू जल्दी से। गुरुजी की शक्ति, गुरुजी तड़पा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कौन है लेने वाला, जरा आगे तो आवे, जरा ले तो सही, मेरा दुग्ध पान तो करे, मेरी उन शक्तियों का पान तो करे जो मैं चाहता हूँ, जो मैं इनसे कराना चाहता हूँ, उन सिद्धांतों को, उन भावनाओं को, उन आदर्शों को अपने जीवन में पालन तो करे। आप अपने जीवन में हो सके तो आप थोड़ा भी आप पालन करेंगे तब भी थोड़े दिन में बहुत कुछ पालन आप कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति।